नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हम सभी के घरों में गणपति जी विराजमान हो रहे हैं। हम सभी उनका फेवरेट भोग मोदक बना रहे हैं, तो आज मैंने भी उनके लिए चॉकलेट का मोदक बनाया है। इसे मैंने कैसे बनाया है, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए हमने करीब 4 पैकेट ओरियो बिस्किट लिए हैं और आधा कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और आधा बोल हमने फ्रेश मलाई ली है और बारीक टुकड़ों में कटा हुआ पिस्ता और बादाम लिया है। अब इन पैकेट्स को खोलकर हम सारे बिस्किट बाहर निकाल लेंगे। एक पैकेट में करीब 5 बिस्किट होते हैं, तो इस मोदक को बनाने के लिए हमें कम से कम 4 पैकेट बिस्किट तो चाहिए ही। हमने सारे बिस्किट्स को बाहर निकाल लिया है। अब इस बिस्किट से हम चॉकलेट और क्रीम का पार्ट अलग अलग कर लेंगे। और चॉकलेट वाला पार्ट हम एक मिक्सी जार में डालते जाएंगे। अब क्रीम और चॉकलेट का पार्ट अलग अलग हो चुका है, तो चॉकलेट को हम एक मिक्सी जार में पीस लेंगे। इसको मुझे 2 बार पीसना पड़ेगा क्योंकि बिस्किट ज़्यादा हैं और जार मेरा थोड़ा छोटा है। बिस्किट हमने पीस लिया है और अब हम इसको एक बोल में डाल देंगे। और बाकी के बचे हुए बिस्किट भी हम दोबारा से पीस लेंगे। इसको भी इसी बोल में डाल देंगे। अब इस पाउडर में हम थोड़ी सी मलाई डालेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा मलाई हमको इसमें नहीं डालना है, वरना इस पाउडर का डो बहुत गीला हो जाएगा और मोदक अच्छे से नहीं बन पाएंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नारियल का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस ये मोदक देखने में खूबसूरत लगे बस उतना ही डालना है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब हमारा ये चॉकलेट का डो बनके तैयार हो चुका है, तो अब ये जो बिस्किट से क्रीम निकली थी उसको तैयार करेंगे हम। अब इस क्रीम में हम 2 चम्मच कोकोनट पाउडर डालेंगे और ये कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसमें हमें शुगर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिस्किट में पहले से ही काफ़ी मिठास है, तो अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका डो तैयार कर लेंगे। अब हमारे क्रीम का डो भी बनके तैयार हो चुका है, तो चलिए हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। अब हम मोदक बनाने के लिए एक मोदक का मोल्ड लेंगे। अब इस मोल्ड में हम थोड़ा थोड़ा चॉकलेट का पेस्ट रखेंगे। इस मोड में हमें चिकनाई बिल्कुल नहीं लगानी है।
क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है तो इसमें चिकनाई पहले से ही है। खूब दबा दबा कर इस मोल्ड में हमें चॉकलेट का पेस्ट भरना है। अब बीच में हम हल्का सा गड्ढा करेंगे और उसमें ये क्रीम वाला पेस्ट रखेंगे। फिर मोल्ड को हम बंद कर देंगे और खूब अच्छे से इसको दबा देंगे। अब बाकी का जो पेस्ट इसमें निकलता है उसको हम बाहर निकाल देंगे और ऊपर से भी इसी तरीके से साफ कर देंगे। अब बहुत ही सावधानी से इस मोल्ड को हम खोलेंगे और ये देखिए हमारा एक प्यारा सा चॉकलेट मोदक बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक तरीका और है इसको बनाने का, आप मोल्ड को बंद कर लीजिए और उसमें अब ये चॉकलेट का पेस्ट डाल दीजिए। इसमें थोड़ा सा गड्ढा करके थोड़ा सा क्रीम का पेस्ट भी डालेंगे और इसके बाद थोड़ा चॉकलेट का पेस्ट इसके ऊपर से रख देंगे। दोनों तरीका आसान है, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अब मोल्ड को हम धीरे से खोल लेंगे। ये देखिए इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, सादा ही रख सकते हैं इसको। अब बहुत धीरे से हम इस मोदक को भी बाहर निकाल लेंगे तो हमारा ये दूसरा भी मोदक बनके तैयार हो गया है। सेम मेथड से हम सारे मोदक बनाएंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस मोदक का नाम मोदक कैसे पड़ा, कैसे हुई शुरुआत इनकी? तो मैं आपको चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मैं बहुत संक्षेप में सुनाऊंगी कहानी और मोदक भी साथ साथ बनाती जाऊंगी। एक समय की बात है, पार्वती जी गणेश जी के लिए लड्डू बना रही थी। आप सभी जानते हैं कि गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, तो लड्डू बनाते समय अचानक उन लड्डुओं पर जब पार्वती जी की नज़र पड़ी तो उनको ऐसा लगा जैसे लड्डुओं को किसी ने छुआ है, उनसे किसी ने छेड़छाड़ की है। उसमें बहुत ही छोटे छोटे हाथ बने हुए थे और जिसकी वजह से लग रहा था कि किसी ने इसको छुआ है और फटाक से हाथ को हटा लिया है। तो ऐसा करने से लड्डुओं का शेप थोड़ा सा उठ सा गया और वो सोचने लगी कि ऐसा कौन कर रहा है। तो उन्होंने फिर से जब देखा तो अचानक गणेश जी को ऐसा करते हुए पाया तो पूछने लगी, तो अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो और तुम ही हो जो बार बार ऐसी हरकतें करते हो, बताओ भला ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो गणेश जी ने कहा, माँ मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरीके के लड्डू तुम बना रही हो वैसे लड्डू मुझे नहीं पसंद है, मुझे तो इसी तरीके के उठे उठे से लड्डू पसंद हैं और मैं यही लड्डू खाऊंगा, इसीलिए मैं बार बार लड्डुओं को अपने हिसाब से बना रहा था। तो पार्वती जी को उनकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी। तब पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली कि अगर मेरे बच्चे को इसी तरीके के लड्डू पसंद हैं, ये लड्डू मेरे बेटे को इतने मोहक लगते हैं, तो आज से मैं अपने बच्चे के लिए इसी तरीके के लड्डू बनाऊंगी। और तब से इन लड्डुओं का नाम मुद्दक पड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से इन लड्डुओं की शुरुआत हुई और तब से गणपत जी को लगाया जाने वाला ये भोग मोदक कहलाता है। और मोदक आप सभी जानते हैं हम तरह तरह से बनाते हैं, तरह तरह से इनको बनाकर गणपत जी का भोग लगाते हैं। तो ये देखिए कहानी कहते कहते मेरे मोदक भी बनके तैयार हो गए हैं। ये अगला मोदक भी मेरा तैयार हो गया है। अब इसको मैं सावधानी से बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये मोदक।
दोस्तों, इतने सारे मोदक बनाने के बाद हमारा क्रीम का पेस्ट थोड़ा सा बच गया है, तो अब मैं एक मोदक क्रीम से बनाऊंगी। मेथड बिल्कुल वैसा ही होगा। मोल्ड में इस पेस्ट को भरेंगे और बीच में थोड़ा गड्ढा करके चॉकलेट का पेस्ट डालेंगे। और ऊपर से अच्छे से इसे बंद कर देंगे। अब हमारा ये क्रीम का मोदक भी बनके तैयार हो गया, इसे भी बाहर निकालेंगे। अब हमारा ये क्रीम का मोदक भी बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सावधानी से निकालना पड़ता है इसको। तो चलिए इसको भी इस प्लेट में रख देते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सबके बीच में, एक अलग सा मोदक। अब लास्ट में जो भी पेस्ट बचा है सबको मिलाकर मैं एक अनोखा मोदक तैयार करूंगी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि ये किस कलर का दिखेगा या कैसा दिखेगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा ही दिखेगा। तो अब इसको भी बना के तैयार कर लेती हूँ। चलिए ये मोदक भी बनके तैयार हो चुका है, इसको खोल कर देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इस मोदक को मैं अलग रखूंगी। अब हमारे ये चॉकलेट के मोदक बनके तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये मोदक पसंद आए हो तो आप भी इनको बनाइए। आज तो पहला दिन है, अभी 10 दिन बाकी हैं। आप किसी भी दिन इसको बनाकर गणपति जी को भोग लगा सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक लिए बाय बाय। थैंक यू।